आज फिर जेके से ग्राउंड में हूँ और मेरे साथ बीसीसीआई लेवल वन कोचेज हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और ये जो गर्ल्स के मैच चल रहे हैं इसके बारे में इनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। मेरा नाम सुमैया है और मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। तो ये यहाँ पे मैच चल रहे हैं जूनियर्स के सीनियर्स के, तो मिक्स मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे, तो क्या कहेंगे? पहली मतलब मुझे लगता है नया एक्सपीरियंस है ये, ग्रुप मैचेस हो रहे हैं वो भी सीनियर जूनियर सारे एक साथ मिला के, तो क्या कहना होगा आपका इस? मैम देखिए, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने 15 साल क्रिकेट खेला हुआ यहाँ पे, हमारे यहाँ पे मैचेस नहीं होते थे, वो डायरेक्टली ट्रायल्स होते थे 2-3 दिन पहले। लेकिन लास्ट ईयर जो JKC ने जो टैलेंट हम यहाँ पे कंडक्ट किया है पूरे J&K में, जो नया टैलेंट हमारे पास आया है मैम, वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा है। मतलब जो प्लेयर्स ऑलरेडी खेल चुके थे वो उनको एक अच्छी टक्कर देते हैं। और अगर स्टेट लेवल पे बात करें, डोमेस्टिक लेवल पे बात करेंगे, हमारी अंडर 15 की जो गर्ल्स हैं, जो अंडर 19 जो फॉर्मेट है, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मतलब एज कम सीनियर्स ने तो अपने लेवल पे दिया ही दिया है, लेकिन उन्होंने अपने लेवल पे जो उनका फॉर्मेट है उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उस पर दिया है। तो प्लान ये था एडमिनिस्ट्रेशन का कि अगर ये सारे बच्चे जो है साथ में फॉर्मेट खेले, एक तो उनको थोड़ा सा पता चलेगा सीनियर्स के साथ खेल के कि हमें और कितनी मेहनत करनी है आगे जाने के लिए, और कम से कम उनका जो परफॉर्मेंस है वो उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आए। क्योंकि हमारे बच्चों की जो जूनियर बच्चे हैं, स्पेशली जो 19 और 15 के भी कुछ बच्चे इसमें, इनमें वो स्ट्रेंथ है कि वो सीनियर्स को फेस कर सके, चाहे वो बैटर्स हो, चाहे वो बॉलर्स हो, चाहे वे फील्डिंग में हो। तो हमने सोचा कि जो कंपटीशन इनको बाहर जाके मिलना है तो क्यों ना उनको ये स्टेट में ही दिया जाए, क्योंकि उनमें वो स्ट्रेंथ थी कि वो इनको फेस कर सके। तो दैट वाज द रीजन कि हमने ये एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला था कि हम इनके मैचेस जो है साथ में कराएं। ग्रेट। तो मैम आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम मीनू सलाथिया है। तो ये यहाँ पे अंडर 19, अंडर 23 एंड सीनियर वुमेन गर्ल्स के, मतलब सीनियर वुमेन्स के मैचेस चल रहे हैं, तो इस के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कैप्टन सीनियर ग्रुप से लिए गए हैं और वाइस कैप्टन जूनियर ग्रुप से, इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है? मैम एक्चुअली इसके पीछे ये स्ट्रैटेजी है, जैसे कि मैम ने आपको बताया कि सीनियर जूनियर हम इसलिए साथ में करा रहे हैं सो दैट हम जूनियर्स को ग्रूम कर सकें। तो मेन रीज़न हमारा वाइस कैप्टन जूनियर्स को बनाने का ये था कि आने वाले टाइम पे उनको भी अपने सीनियर से चीज़ें सीखने का मौका मिले, क्योंकि देखो 19 में 15 में उन्हीं को कैप्टनशिप करनी है, वो अभी अपने सीनियर्स के अंडर कैप्टनशिप करेंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। क्योंकि सिर्फ एक बैटिंग बॉलिंग ही गेम नहीं है, स्ट्रैटेजी जो होती है मैच में मेनली स्ट्रैटेजी होती है, सारी जो भी प्लानिंग होती है वो माइंड की प्लानिंग होती है, सिर्फ बैट बॉल का प्लानिंग नहीं होता है। तो मेन रीज़न यही था कि हम अपने जूनियर्स को भी ग्रूम कर सकें सो दैट वो अपने प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म करें। तो आपसे जानना चाहूँगी ये जो यहाँ पे मतलब स्किल कैंप लगा था, स्किल कैंप का कैसा बेनिफिट रहा? क्या मैचेस में आपको एज कोचेज आप ही इनको वॉच कर रहे हो, तो आपको वो कहीं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है मैचेस में, बच्चे वो अप्लाई कर रहे हैं? मैम देखिए, जहाँ तक कोचिंग का सवाल है, बीइंग एज अ कोच, जो हमारा गेम जो ग्राउंड पे हम शो करते हैं वो होता है इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन जो बेसिक जो क्रिकेट होता है मैम, वो हम ग्राउंड से बाहर नेट्स में सीखते हैं और वो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ मैम, काफ़ी सारे पेरेंट्स का या बच्चों का सबसे पहले यही क्वेश्चन रहता है एक कोच को कि मैम पहले डिफेंस ही क्यों सीखना है या पहले ड्राइविंग क्यों सीखना है, बिकॉज दैट इज़ द बेसिक। अगर आप 99-98 पे खेल रहे हो, 97 पे खेल रहे हो और एक अच्छा बॉल आया, तो आपको डिफेंस करना आना चाहिए सो दैट यू कैन सेव योर विकेट। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एनहांस योर बेसिक स्किल्स। जब आपका स्किल अच्छा होगा, ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट ऑन द ग्राउंड व्हेन यू आर फेसिंग अ गुड बॉलर। तो इसीलिए हमने ये प्लान, इवन कि JKC ने जो लास्ट 2 ईयर से जो उन्होंने ये काम किया है वुमेन क्रिकेट में, मतलब वो काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसा काम कभी हुआ नहीं है। और रिजल्ट्स सिर्फ आपको नहीं, मुझे नहीं, वो पूरे जम्मू कश्मीर, तो क्या वो पूरे इंडिया को पता है? जब डोमेस्टिक सीजन में हमारे बच्चे गए हैं, वो स्किल कैंप जो हुआ था यहाँ पे, फिटनेस कैंप जो यहाँ पे गए थे, और स्पेशली जो लोकल मैचेस में कोचेस को प्रोवाइड किया गया, मतलब टैलेंट हन में अलग से कोचेस भी थे, ट्रेनर भी थे स्किल कैंप में, इवन के मैचेस में भी अभी आप देखिए कि हर टीम में अपना अपना कोच है, तो ये बहुत रेयर हुआ है मतलब ना इससे पहले। और मेन रीज़न यही था कि बच्चों को हम बेसिक्स कुछ क्लियर करें और उसके बाद इनको मैचेस साथ में इसलिए दिया जाए ताकि हम देखेंगे कि किस हद तक बच्चे इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ताकि जो आने वाला टाइम जो है उस पर हमें कितना काम करना है और उस काम का लेवल क्या होगा, तो वो जस्ट चेक करने के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कोचेज ने मिलकर जो एफर्ट्स दिए हैं, बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग, फील्डिंग, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट मतलब यहाँ पे उस चीज़ का आ रहा है। मेन मोटिव भी यही है कि जो पहले वाला क्रिकेट था,
डायरेक्टली बच्चे ट्रायल्स के लिए आते थे, जिस तक मैसेज पहुंचता था, दोस्त वोस्त का फोन गया वो आता था, बाकी रह जाते थे। लेकिन आज ओपन है, बिल्कुल है, सब कुछ है। तो मतलब जितने भी बच्चे हैं सबको फिटनेस कैंप में भी मौका दिया जा रहा है, स्किल कैंप में भी मौका दिया जा रहा है, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट 15 जो हमारी टीम होगी स्टेट की वो तैयार की जाए, और लास्ट ईयर की तरह जो है परफॉर्मेंस आया है वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहे। BCCI लेवल 1 कोचिंग के लिए लोगों को भेजा जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? मैम, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब भी हूँ, और मैं उनका थैंक यू करती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि इतने टाइम के बाद उन्होंने हमें इतने कोर्सेज़ करवाए हैं। हम बहुत देर पहले से, जब हमने अपना क्रिकेट छोड़ा था, हम तब से बोलते थे कि हमें कोर्सेज़ करने हैं, बट उन्होंने कोर्सेज़ करवाए। उन्होंने बहुत सारे कोचेज़ को लेवल 1 करवाया है, कुछ कोचेज़ लेवल 2 के लिए भी रिकमेंड हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि क्या होता है, पहले हमारे पास कोचेज़ नहीं थे जिन्होंने लेवल 1 किया था, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक प्लेयर जब होता है, जब वो कोच बनता है, तो उसका सोचना अलग होता है। जब आप वहाँ से जाके चीज़ें सीखते हो, क्या होता है कि जब हम एक टेक्निकल चीज़ें जब समझाते हैं वो डिफरेंट होता है, बट अगर एक लेवल 1 कोच चीज़ें समझाता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्लेयर्स को। लाइक पहले क्या होता था, पहले कोचेज हमें बहुत ज़्यादा समझाते थे हर चीज़ में समझाना, पर जब हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ से चीज़ें सीखी कि हमें हर एक चीज़ पे और हर एक बॉल पे उनको नहीं समझाना है, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, उसके बाद आप देखो उनकी गलती क्या है, उसके बाद आप साइड पे जाओ, उनको समझाओ कि आपकी ये गलती है, इस चीज़ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था JKCA का, जो उन्होंने हमें मौका दिया, बहुत सारे प्लेयर्स को मौका दिया कि वो लेवल 2 करे, लेवल 1 करे, और इस तरह से और भी जितने भी कोर्सेज हो सके, हम और ज़्यादा कोर्सेज कर सकें, सो दैट हम वो बेनिफिट ग्रैप कर सकें और बच्चों को और ज़्यादा लर्निंग प्रोवाइड कर सकें। ये वुमेन क्रिकेट है, तो आपको क्या लगता है, हर तरफ यहाँ पे आपको स्टाफ मेंबर्स मैक्सिमम वुमेन दिखेंगे, क्या इस चीज़ से, इस इनिशिएटिव से, JKCA के इस इनिशिएटिव से क्या वुमेन क्रिकेटर्स को कंफर्ट फील होता है? मैम देखिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन जब बाहर आता है ना, मतलब अगर हम अपनी बात करेंगे, हमने कभी मेल फीमेल में कोई फ़र्क नहीं जाना कि मतलब ये मेल कोच है मैं इससे क्या सीखूं या फीमेल कोच है मैं इससे क्या सीखूं। मुझे एक दिन याद आ रहा है कि जब मैं पटियाला में थी, मैं डिप्लोमा कर रही थी, तो सर ने हमें बोला था 35 राउंड्स लगाने के लिए, तो जस्ट एक लड़की ने उठा, सर हम गर्ल्स हैं तो थोड़ा कम करवा दो। सर ने बोला कि बेटा डिग्री पे वुमेन और मेल वो अलग अलग नहीं लिखा होगा, वहाँ पर डिग्री लिखी होगी, तो आप सारे जो है मेरे लिए सेम हो, वर्कआउट तो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो पहले अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती थी गर्ल्स को, पहले भी यहाँ पे फीमेल स्टाफ होता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि JKCA इसीलिए फीमेल स्टाफ को रिकमेंड करता है ताकि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की लोगों की जो सोच होती है ना कि फीमेल कुछ कर नहीं सकती है, ये बैट बॉल का जो गेम है, ये लड़कों का गेम है, मुझे लग रहा है कि सबसे, मतलब मैं जो पॉजिटिविटी देख रही हूँ कि JKCA की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बस ये दिखाना चाहती है कि अगर मेल स्टाफ के साथ हम मेल्स को बेच के एक अच्छी कामयाबी ले सकते हैं स्टेट लेवल पे, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि फीमेल स्टाफ को टीम के साथ बेच के हम भी एक अच्छी कामयाबी भी दे सकते हैं। और वो मिसाल तो आप लोगों को पता ही है, लास्ट दो साल से यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, यहाँ पे स्कोरर ये भी एक वुमेन है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी अपलिफ्ट किया जाता है आई थिंक वुमेन को, ये प्रमोट हो रहा है, बहुत प्रमोट किया है वुमेन्स क्रिकेट को। पहले आज तक आपने भी देखा होगा इतने कैंप्स कभी भी नहीं लगे, बट इस बार 1-to-1 कैंप्स हमारे लग रहे हैं, जो कि अभी हम खुद बच्चों में देख सक रहे हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो इतनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है JKCA ने, जो ये इतने सारे कैंप्स रख रहे हैं, प्लस हर चीज़ में वुमेन्स रख रहे हैं, तो ये एक प्रमोशन है, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। वही यहाँ से मैं ऑफिशियल्स देख रही हूँ, मैक्सिमम वुमेन ऑफिशियल्स है, स्कोरर वुमेन है, कोचेज वुमेन है, हर तरफ से अंपायर्स, ये बहुत बड़ी बात है, इतनी मतलब 40 प्लस टेम्परेचर में वुमेन अंपायर्स लगे हुए हैं, तो ये तो अपने आप में एक मिसाल है, एक अपने आप में एक मिसाल है। थैंक्स टू JKCA।